प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के प्रख्यात कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक कहानी, जिसका शीर्षक है हजामत का साबुन। यह कहानी जनवरी 1959 में लिखी गई थी, जो अज्ञेय रचनावली के खंड 3 में है, जिसका संपादन कृष्णदत्त पालीवाल जी ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। दुकान में घुसा तो छोटे लाला नौकर को पीट रहे थे। लाला की दुकान से मैं तब तब थोड़ा बहुत सामान लेता रहता हूँ, इसलिए बड़े लाला और छोटे लाला और उनके दोनों नौकरों को पहचानता हूँ। यों लाला कहने से जो चित्र आंखों के सामने आता है, उसके चौखटे में दोनों में से कोई ठीक नहीं बैठता था। मोटापा तो दोनों में इतना था कि नाम के साथ मेल खा जाए, लेकिन इससे आगे थोड़ी कठिनाई होती थी। दोनों प्रायः सूट पहनकर दुकान पर बैठते थे। दुकान का फर्नीचर लोहे का था और मेज पर कांच लगा हुआ था। दुकान पर किराने से लेकर परचून तक की चीज़ें तो थी ही, इसके अलावा साज सिंगार का सामान, अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह भी थी, और पिछले 2-1 वर्ष से दुकान को स्पिरिट और शराब रखने का भी परमिट मिल गया था। मुझे इस तरह की बहुधंधी दुकानों से कोई विशेष प्रेम हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन दुकान बस स्टैंड के निकट पड़ती थी और दफ्तर से घर लौटते समय वहाँ से कुछ खरीद ले जाने में सुविधा था। थोड़ी देर मैं असमंजस में खड़ा रहा। लाला पीटने में इतना व्यस्त था तो नौकर का पीटने में और अधिक व्यस्त होना स्वाभाविक था। ग्राहक की तरफ ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं थी। समझदारी की बात तो यही थी कि वहाँ से चल देता और जो खरीदारी दूसरे दिन तक न टल सकती वह कहीं और से कर लेता। इससे भी बड़ी समझदारी की बात यह है कि जहाँ हाथापाई हो रही हो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन मुझ में दोनों तरह की समझदारी की कमी है और हमेशा रही है। आज से कल तक टालने की बात तो समझ में आ सकती, लेकिन आदमी का पिटता हुआ देखकर समझदारी भरी उपेक्षा मेरे बस की नहीं है। लाला के मोटे थुलथुल हाथ का थप्पड़ जो नौकर के गाल पर और आड़े हुए हाथ पर पड़ा तो मेरे मन में तीखी प्रतिक्रिया हुई। ओ लाला के बच्चे, क्यों पीटता है? ऐसी मेरी भाषा नहीं है, गुस्से में भी नहीं, पर उस समय लाला को लाला का बच्चा कहना ही मुझे ठीक जान पड़ा, या ऐसे कह लीजिए कि लाला के बच्चे के नाम से ही मोटे और भौड़े रूप को मैं कोई संगति दे सका। लाला ने फिर एक थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोले, तूने मुझे टेलीफोन क्यों नहीं कर दिया? मेरी मुट्ठियां भींच गई। टेलीफोन न करने पर नौकर को मारना मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नौकर को भी वह सहन नहीं होगा। मैंने जैसे मान लिया कि अभी अभी नौकर भी वापस एक थप्पड़ लाला के बच्चे के मुंह पर जड़ देगा, पर वह हुआ नहीं। नौकर ने वह थप्पड़ भी चुपचाप खा लिया और उसके बाद भी मार खाता गया और लाला के बच्चे की फटकार सुनता गया। लाला ने और चीख कर कहा, बोलता क्यों नहीं, हीरू के बच्चे? तो नौकर का नाम हीरू है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके परिस्थिति मेरी समझ में आने लगी। घटना कुल जमा यह हुई थी कि छोटे लाला जब दुकान पर आए थे तो नौकर को घर पर ललाइन की सेवा में और उनके छोटे बच्चे की टहल में छोड़ आए थे। इस बीच ललाइन ने नौकर को हुक्म दिया कि दुकान से चावल ला दे। नौकर बच्चे को घर पर छोड़कर दुकान से चावल ले आया। आधे घंटे के इस अवकाश में बच्चा ललाइन के अनदेखे बाहर निकल गया और पड़ोसी लाला के घर चला गया, जिसके हम उम्र लड़के से उसकी दोस्ती थी। नौकर ने लौटकर जब बच्चे को नहीं देखा तब उसे और उसके कहने पर ललाइन को चिंता हुई। कोई आधे घंटे में यह पता लग गया कि बच्चा पड़ोस के घर में ही है, लेकिन इस बीच ललाइन का घबराहट से बुरा हाल हो चुका था। दोपहर को लाला जब खाने घर गए थे तब ललाइन ने उन्हें बता दिया था कि कैसे उन्हें बड़ी घबराहट हुई थी। अब लाला दुकान पर लौटकर नौकर से जवाब तलब कर रहे थे कि अगर बच्चा नहीं मिल रहा था तो फौरन उन्हें टेलीफोन क्यों नहीं कर दिया गया कि बच्चा नहीं मिल रहा है? अगर उसको कुछ हो गया होता तो टेलीफोन ललाइन भी कर सकती थी, या अगर खुद नंबर मिलाना उन्हें नहीं आता था तो टेलीफोन करने की बात उन्हें भी सूझ सकती थी। यह नौकर ने अभी तक नहीं कहा। पता नहीं उसे सूझा ही नहीं था या कि मार का डर उसका मुंह बंद किए हुए था। लाला ने कांच की मेज पर रखे हुए टेलीफोन को उठाकर पकड़ते हुए फिर कहा, यह साला है किस लिए? अगर तू, और फिर एक थप्पड़ हीरू को जड़ दिया।
मैंने बड़ी एकाग्रता से मन में कहा, अरे हीरू तू भी इंसान है, मार लाला के बच्चे को एक थप्पड़ और पूछ हिस्से की। लेकिन हीरू ने एक और थप्पड़ खा लिया, थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर ज्यों का त्यों हो गया। आप रेस खेलते हैं? मैं खेलता तो नहीं, लेकिन घुड़दौड़ भी मैंने देखी है और रेस खेलने वाले भी, इसलिए पूछता हूँ। हारते हुए घोड़े पर दाव लगाने वाले की घुड़दौड़ देखते हुए जो हालत होती है, वही हालत मेरी हो रही थी। भीतर दुस्साहस, उत्तेजना और तनाव, कांपते हुए हाथ और सूख कर तालू से चिपकती जबान, और ऊपर से इतना एकाग्र उपशमन का अंकुश कि जैसे अपने एकाग्रता के बल पर ही हारे हुए घोड़े को जिता दूंगा। हर उत्तेजना में एक बेबसी होती है, सहसा अपने में उसका अनुभव करके मैंने अपने आप से कहा, यह उत्तेजना क्यों, क्यों तुम इस सेकेंड हैंड सनसनी का शिकार हुए? इतना घबरा क्यों रहे हो? छटपटाहट किस बात की है? अरे साहब, कुत्तों की दौड़ में मेरा कुत्ता पिछड़ा जा रहा है, दूसरा कुत्ता खरगोश को लपक लेगा। अरे तुम तो कुत्ते नहीं हो, ना तुम खरगोश ही हो, तुम अपने जीवन की उत्तेजना से जूझो, कुत्ते की या खरगोश की उत्तेजना से तुम्हें मतलब? बल्कि कुत्ता तो उत्तेजित भी नहीं है, वह एकाग्र होकर खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, और वह बिना चेतन भाव से ऐसा सोचे भी। यह जानता है कि उत्तेजना उसकी मदद नहीं करेगी, बल्कि उसके काम में बाधक होगी, और खरगोश को तो और भी उत्तेजना के लिए फुर्सत नहीं है, जिसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल हो, उसको ऐसी टुच्ची सनसनी से क्या मतलब। और तुम दौड़ देखकर छटपटा रहे हो, बल्कि तुम चाह रहे हो, मना रहे हो कि खरगोश उलटकर कुत्ते पर खिसिया उठे या कि उसे अपने जबड़ों में दबोच ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन नहीं, नौकर निरा खरगोश नहीं है, वह आदमी है, आखिर वह विरोध में कुछ कह रहा है। मगर लाला जी, मैं तो कुक्कू लाला को बीबी जी को सौंप के चला गया था। हाँ, नौकर इंसान है, अब वह तन जाएगा, ऊपर से सामने जवाब देता है, उल्लू के पट्टे, साले सुअर के बच्चे। लाला, लाला के बच्चे, हीरू का बच्चा है और तुम्हारा साला है, तो तुम कौन हो, ओ सुअर के दामाद? लेकिन यह तो मैं मन में कह रहा हूँ, और मुझे लाला से मतलब नहीं है, लाला से हीरू का मतलब है, मुझे तो नौकर से मतलब है, क्योंकि नौकर जो करे या मैं जो चाहता हूँ कि वह करे, उसके नाते में मुझे उसकी इंसानियत से मतलब है। अब हीरू तू एक थप्पड़ तो मार दे लाला के बच्चे को, चाहे धीरे से ही, चाहे असफल ही। नहीं, फिजूल है, हीरू कुछ नहीं कर रहा है, और मुझे उससे जो मतलब है और उसके नाते इंसानियत से जो मतलब है, वह मेरे सामने एक बड़ी सी गरम गरम और ठोस ललकार के रूप में आ खड़ा हुआ है, जैसे किसी ने एक बहुत गरम निवाला मुंह में रख लिया हो और तुरंत निगल जाना जरूरी हो गया हो। मैं भी मारूंगा लाला के बच्चे को, मैं बढ़कर लाला के बहुत पास आ गया, कि सहसा हीरू बोला ऐसे स्वरों में जिसको मैं कभी पहचान सकता, लेकिन जिसको तुरंत हीरू का मान लेने को मैं चालाड़ हूँ, क्योंकि हम तीनों के अलावा चौथा व्यक्ति वहाँ है ही नहीं। मालिक, आप माई बाप हैं, आपका लड़का मेरे अपने बच्चे के बराबर है, और मैं उस पर जान देने को तैयार हूँ। लाला का फिर उठता हुआ बेडौल हाथ हवा में ही रुक गया, उनकी चुंधी आँखों में कुछ हुआ है जिसने मानो उनके हाथ को वहीं का वहीं जड़ कर दिया है। आंखों और हाथों में ऐसा सीधा क्या संबंध होता है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे हठात बिजली फेर कर जाने से किसी मशीन का उठा हुआ हथौड़ा आकाश में रुक जाए, वैसी ही हालत लाला की हो गई है। लाला ने धीरे धीरे जैसे जबरदस्ती हाथ को नीचे झुकाकर मेज पर से झारन उठा लिया और वह हाथ पोंछने लगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ाई तो खत्म हो गई है, इससे पहले ही मार देता तो। असमंजस में मैंने जल्दी की थी, उसकी कुंठा को गुस्से का रूप ले लेना तो स्वाभाविक था, लेकिन लाला का बच्चा नौकर को मारकर अब हाथ पोंछता है। चाहिए तो नौकर को जाकर नहाना कि वह इस गलीच चीज से छू गया है जो लाला बनी फिरती है। हाँ साहब, आपको क्या चाहिए? मुझे अच्छी तस्तरी पर रखा हुआ तुम्हारा कटा हुआ सिर। इस दुकान से अब कुछ भी लेने का मन नहीं है, यह लाला जैसे इंसानियत के घावों पर जमा हुआ कच्चा खुरंट है, जिससे संपर्क में आने की बात ही घिनौनी जान पड़ती है। मैंने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। हुल्लड़ सुनकर रुक गया था, जो देखा वह मुझे तो बड़ी शर्म की बात लगी। लाला बगले झांकने लगे, फिर घिघियाता हुआ सा बोला, हाँ साहब, शर्म की बात तो है, क्या बताऊँ, मुझे गुस्सा आ गया।
बच्चे की बात है आप जानते हैं। फिर कुछ रुककर अनिश्चय से, जैसे छोटे मुंह वाले कनस्तर से उंगली से खोदकर घी निकाला जा रहा हो, वैसे यह थोड़े ही है कि मैं इस नौकर की कदर नहीं करता, उसकी लॉयल्टी का मुझे पूरा भरोसा है। फिर सहसा व्यस्त होते हुए, लेकिन साहब आप बिना कुछ लिए न जाएं, नहीं तो मुझे बड़ा मलाल रहेगा। क्या चाहिए आपको? वह क्या कहानी कभी नहीं सुनी थी? बुढ़िया बूचर की दुकान में गई तो बूचर ने सिर से पैर तक उसको देखकर रुखाई से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? गरीबिनी बुढ़िया को सवाल बड़ा अपमानजनक लगा। क्या हुआ उसे छोटा सौदा खरीदना है? तो वह बोली, चाहिए मुझे माल रोड पर हवेली और 3 मोटरें और चंदन का पलंग, लेकिन तुझसे मियाँ बूचर मुझे चाहिए सिर्फ 2 पैसे का सूखा गोश्त। मैं थोड़ी देर चुपचाप लाला की तरफ देखता रहा, फिर जैसे मैंने भी अपने भीतर से कहीं खोदकर निकाला, 1 पैकेट चाय, छोटा पैकेट, और कोई सस्ता हजामत का साबुन है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर किसी दिन आऊँगा किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।